हेलो नमस्कार, जय हिंद। एसएससी जीडी नई भर्ती 2024 के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, जो ऑफिशियल रूप से है, ऑफिशियल प्रकार का है। अब कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, सभी को जॉब मिलेगी। अलग अलग विभाग हो सकता है, अलग अलग विभाग में जॉब मिल सकती है, लेकिन किसी को फेल नहीं किया जाएगा, सभी को जॉब मिलेगी। ये नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी इस नोटिफिकेशन के बारे में, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के बारे में अभी हम बात करेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिल पाए। देखिए, एसएससी जीडी की तरफ से ऑफिशियल रूप से मेल आया है एक कैंडिडेट को कि डियर कैंडिडेट, ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस कांस्टेबल एग्जाम 2022 कंडक्टेड बाय एसएससी, योर कैंडिडेचर हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर कंसिडरेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द ग्रेड ऑफ फील्ड असिस्टेंट जीडी। फील्ड असिस्टेंट जीडी के पोस्ट पर इनको रिक्रूटमेंट दे दिया गया है। ये 2022 एग्जाम 2022 वाले जीडी में एग्जाम दिए थे और इन ये फेल हो गए थे, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब ईमेल आया है 2024 में कि आपको फील्ड असिस्टेंट में जॉब दे दी जाती है। हम आपको बता दें कि ऐसे प्रोसेस होते रहते हैं अपर एग्जाम में, जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के एग्जाम्स में, इस प्रकार के अपर एग्जाम से ऐसे प्रोसेस चलते रहते हैं। जो बच्चे फेल हो जाते हैं मेंस एग्जाम में, जो मेंस एग्जाम देकर इंटरव्यू देकर फिर शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते, जो बच्चे फेल हो जाते हैं लेकिन मेंस दिए रहते हैं, इंटरव्यू दिए रहते हैं, तो वो बड़ी एक कड़ी मेहनत के द्वारा वहां गए होते हैं, और वो काफ़ी अच्छे बच्चे होते हैं, काफ़ी पढ़ने में अच्छे होते हैं, हर चीज़ में अच्छे होते हैं, उनके दिमाग में भी अच्छा चलता है, इसीलिए वहाँ तक पहुँचे होते हैं। हालांकि कुछ कमी रह गई होती है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता उनका और फेल हो जाते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को विभिन्न डिपार्टमेंट में जॉब दे दिया जाता है, परमानेंट जॉब भी दिया जाता है, प्राइवेट जॉब भी दिया, दोनों प्रकार के जॉब दिए जाते हैं। इसी प्रकार का प्रोसेस यहाँ चला है कि जो बच्चे 2022 के एसएससी जीडी का एग्जाम दिए हैं उन्हें 2024 में फील्ड असिस्टेंट जीडी इत्यादि के पोस्ट पर ग्रुप सी पर लेवल 3 के ग्रेड पे में नौकरी दे दी गई है, नौकरी ऑफर की गई है, वो परमानेंट नौकरी यानी कि सरकारी नौकरी ऑफर की गई है। इसमें सीधा सीधा लिख दिया गया है, ऑन अपॉइंटमेंट बिसाइड्स पे, जो पे है, पेमेंट है, सैलरी है, उसके अतिरिक्त अलाउंसेज भी मिलेंगे, लेवल 3 के पेमेंट पे ग्रेड भी मिलेंगे, और मैट्रिक्स एच पे आर रूल्स 2016 स्पेसिफिक अलाउंसेज 20% ऑफ द पे इज अलाउंसेज, सब कुछ मिलेंगे, यानी कि जो भी सरकारी रूल्स होते हैं सरकारी रूल्स के अनुसार ही मिलेंगे, क्योंकि ये सरकारी जॉब ही होगी, परमानेंट जॉब ही होगी। अब क्योंकि ये बच्चे एग्जाम्स दे चुके हैं और एग्जाम दे के फाइनल में बाहर हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं ये बच्चे, इसलिए इनसे दोबारा एग्जाम, भले ही फेल हो गए, दोबारा एग्जाम इनसे नहीं ली जाएगी, केवल और केवल इंटरव्यू इनसे लिया जाएगा। और फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट कैंडिडेट्स हैव ऑप्शन टू अपियर फॉर इंटरव्यू एट 7 सेंटर्स। इसके लिए 7 सेंटर बनाए गए हैं इंटरव्यू के लिए, गुरुग्राम में बनाया गया है, हरियाणा, जम्मू में बनाया गया है, जम्मू कश्मीर, लखनऊ यूपी में, कोलकाता में बनाया गया, वेस्ट बंगाल, जोधपुर राजस्थान में, मुंबई महाराष्ट्र, और चेन्नई तमिलनाडु। इन 7 सेंटर पर इंटरव्यू के लिए ये 7 सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर इंटरव्यू होगा, यानी कि इंटरव्यू के बाद तुरंत आपको नौकरी दे दी जाएगी, गवर्नमेंट नौकरी, विभिन्न डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट नौकरी दी जाएगी। जिस बच्चे को ये मेल आया है उसे फील्ड असिस्टेंट में नौकरी दी जा रही है, फील्ड असिस्टेंट डिपार्टमेंट में नौकरी दी जा रही है। तो इस प्रकार से विभिन्न डिपार्टमेंट में नौकरी दी जाएगी। ये पूरा यहाँ का जो है कि विवरण भी दिया गया है, अंडर सेक्रेटरी PERS कैबिनेट सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रूम नंबर 1001 B1 विंग 10th फ्लोर, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003। तो ये पूरा एड्रेस भी दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर आप 2024 में अपीयर हुए हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो 2022 में हुए हैं, तो 22 वालों को अभी संभावना बन रही है, अभी मेल आ रहे हैं। 24 में अगर 24 में अपीयर हुए हैं तो अगर सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, और सिलेक्शन नहीं भी हो जा पाता है तो भी संभावनाएँ बनती है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिल पाए। द्रोण जीएस सिरसा सेंटर्स के साथ बने रहने के लिए
आप सभी का दिल से धन्यवाद।